भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और एक बार फिर से हम मौजूद हैं परसदेपुर कस्बे में, जो कि जिला मुख्यालय रायबरेली से 30 किलोमीटर और सालोन तहसील से महज 7 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे स्थित है। आज हमारे चैनल पर लगभग 60 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और शायद मेरी पहली वीडियो हमारे इसी क्षेत्र यानी कि परसदेपुर की है। और आज हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, कहते हैं 1787 ईस्वी के आसपास यह स्थान बहु बेगम को एक जागीर के रूप में प्रदान की गई, जिसके तहत यह एक परगना की सीट बन गई। अवध के नवाबों के तहत परसदेपुर एक ब्रिटिश सैन्य स्टेशन का स्थल हुआ करता था, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान छोड़ दिया गया था। बीसवीं शताब्दी के मोड़ पर परसदेपुर को बड़ी संख्या में बुनकरों के साथ साथ एक डाकघर, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और दो बाजारों के रूप में वर्णित किया गया था। आज के समय में यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की मिश्रित आबादी है। हिंदू परंपरा की दुर्गा माँ को समर्पित माता मेन्न के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन मंदिर भी है। परसदेपुर दो अलग अलग बाजारों की मेजबानी करता है, छोटा वाला सोमवार और शुक्रवार और बड़ा वाला मंगलवार और शनिवार को आयोजित किया जाता है। दोनों बाजारों में विक्रेता ज़्यादातर कपड़ा, अनाज, गुड़, गहने और सब्जियों जैसे सामान बेचते हैं। परसदेपुर के 40% निवासी 2011 तक झुग्गी और बस्तियों में रहा करते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार कस्बे का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 965 महिलाओं का था। अब तो हमको लगता है और भी कम हो गया है। परसदेपुर वासियों, लगता है अब तुम्हारी शादी होने में संकट हो जाएगा।